हेलो गाइस, तो आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिन से मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, अपडेट नहीं कर पाया मैं। तो आज का सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं दीदी के यहाँ, मेरी मौसी लड़की के यहाँ। तो वहाँ पे कुछ काम है। अभी लखनऊ जब प्रिंसी और मम्मी गए थे तो फिर वहाँ पे मौसी मिली थी। मौसी ने कैंटीन का कार्ड दिया हुआ है तो वो दीदी को देना है। वो श्याम नगर में रहती हैं, और तो वही कार्ड हमें पहुंचाना है और कुछ सामान भी देना है उन्हें। और हम सोच रहे हैं कि आज IPL का फाइनल है तो कैसे देखेंगे। तो टाइम अभी 6 होने वाला है, तो जल्दी से हम लोग निकलते हैं, तो 8 बजे तक आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ, अब मैं प्रिंसी का वेट कर रहा हूँ। प्रिंसी रेडी हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं जल्दी से। और ये चीज़ें थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ जल्दी नहीं पड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, फाइनल पूरा मैं देख पाऊँगा। फिर CSK की बैटिंग बाद में होगी तो चलेगा, बट अगर फर्स्ट बैटिंग हुई फिर मिस हो जाएगी ना। तो मैं तो CSK को सपोर्ट कर रहा हूँ आज। और हालांकि है तो गुजरात में, तो थोड़ा सा दग दग तो होता है कि कहीं मोदी जी वाला फैक्टर ना काम कर जाए। तो बट मैं चाहूँगा कि CSK जीते इस बार। ठीक है, मतलब वो बाद में देखा जाएगा कि मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली शायद धोनी का ये लास्ट सीज़न है, बट चाहता कोई नहीं है, धोनी फैन कोई नहीं चाहता कि ये लास्ट सीज़न हो। आपको मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कि मैं सो के उठाऊँ, तो हाँ मैं सो रहा था आज। हाँ लेट सोया था आज, और दोपहर को हाँ मैं सोता हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट सोया था। तो इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा सा क्विक मैं रिकैप दे देता हूँ कि मतलब अब बीच में क्या हुआ है। तो जो चल गया था मेरा पैर, वो तो अब मैंने ट्यूब और दवाई थोड़ी सी उसकी करी थी, तो वो तो ठीक हो गया है काफ़ी बेटर कंडीशंस में। और अभी बीच में मेरा भाई मौसी है, एक मेरी कई सारी मौसी हैं, तो एक भाई है जो मौसी का लड़का है और भाभी है जो, तो वो लोग आए थे अभी रिसेंट में। तो थोड़ा सा उन सब में मैं बिजी था, और इसी बीच इसी वजह से इसी सारी चीज़ों के चलते तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। और बाकी और भी चीज़ें चल रही थी बीच में, तो आगे से मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ें चलती रहें और थोड़ा सा मैं टाइम निकाल के ब्लॉग वगैरह भी बनाता रहूँ। तो बाकी बीच में थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह का भी काम आ गया था, दूसरे अपने पर्सनल की चीज़ें के साथ में और दूसरा भी और काम, जैसे मैं रील्स वगैरह भी एडिट करता रहता हूँ। तो सोशल मीडिया अकाउंट में मुझे पोस्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो मेमोरीज होती हैं, वो एक बेटर फॉर्म में और बेटर प्रेजेंटेशन में आपके पास पड़ी रहती हैं। ऐसे फोटोज़ आपके पास कई सारी होती हैं तो वो कभी कभी आप रेयरली देखते हो, बट उनको जब एज अ पोस्ट में रील में मान लीजिए आपने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ यूज़ कर ली या क्लिप्स यूज़ कर ली, तो वो बेटर प्रेजेंटेशन में और कम ड्यूरेशन में आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक बेटर तरीका है मेमोरीज को अच्छे से रखने का, तो मैं इसलिए मैं वो प्रिफर करता हूँ। बट लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही पोस्ट कर देता हूँ लाइक साइज के लिए, तो लाइक्स वगैरह से मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो सबको ही अच्छा लगता है, बट मेन मेरा जो रीज़न है वो ये है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पोस्ट करते रहना चाहिए। अगर आप यूज़ करते हो तो ये चीज़ होती है ना, आप लोगों को कब तक देखते रहोगे कि लोग क्या डाल रहे हैं, तो आप भी करिए तो वो भी देखेंगे, है ना। तो ऐसे ये यही बात होती है ना, पहले तो बातचीत होती थी, कॉल्स वगैरह होती थी डेली, अब उस लेवल पर चल रही है, उस टाइम चल रहा है बस, कि डेली बात नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ों से कम से कम कम्युनिकेशन बना रहता है एक तरीके से। अगर आपको वही रील्स वगैरह देखनी भी है मेरी या और भी कंटेंट देखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ओजस्वी और अंडरस्कोर ठाकुर करके मेरा यूज़र नेम है, या फिर अविनाश चौहान पे आप सर्च करेंगे तो आ सकता है, अगर आप पहचानते होंगे मुझे तो। और बाकी जो लोग फॉलो कर चुके हैं ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर उनको तो शो कर होता ही होगा। और जो भी मैं रील्स वगैरह डालता हूँ तो उसका अगर ट्यूटोरियल भी चाहिए होगा किसी को तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बता दूंगा उसको। ज़्यादा एडिटिंग वगैरह या मतलब मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज़ जो टेक रिलेटेड है वो ज़्यादा कुछ तक होती नहीं है, समझ में आनी चाहिए, समझने वाला होना चाहिए। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। घर वापसी हो चुकी है, हम लोगों ने सोचा था हम लोग 8 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन
बज गए हैं अब, और मैच, लेकिन ये हुआ, अच्छा हुआ कि बारिश वारिश हो गई है तो फिर मैच आगे पोस्टपोन हो गया है। तो फिर वहाँ पे वैसे ज़्यादा टाइम लगना नहीं था, बट वहाँ पे जाके फिर हम लोग ने खाया पिया थोड़ा सा, पेटीज वगैरह खाई, फिर उसके बाद में हम लोग पार्क वगैरह घूमने गए, फिर उसके बाद में वापस आते टाइम टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो हम लोगों ने फिर सोचा थोड़ा सा लाइट खाते हैं, तो फिर खिचड़ी वगैरह दिन बनाई, तो खिचड़ी वगैरह खाई हम लोगों ने, थोड़ा सा बातचीत हुई। तो जब ऐसा ही होता ही है कि आपस में अगर आप लोग जाते हैं कहीं पे किसी से तो बातचीत और वो सब तो होता ही, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब, तो टाइम और ज़्यादा स्पेंड करने का मन करता है। तो फिर 10 बज गए, हम लोग 10 बजे घर वापस आ पाए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो थकावट हो ही जाती है कहीं भी आ जाओ तो। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।